फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड्स। अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, चुनाव अगले साल मार्च से लेकर मई के बीच कराया जाएगा। इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में ये दूसरा चुनाव होगा कोरोना काल में जिसकी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2016 में कराया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार पिछले चुनाव का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा और पिछले चुनाव में जो आरक्षण लागू था वही चुनाव में जो लागू होगा। इस बार का चुनाव भी 10 चरणों में कराया जा सकता है। पिछला चुनाव 10 चरण में 24 अप्रैल से 30 मई तक कराए गए थे। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।